नूरी जाम तमाची। किंजा झील की शोहरत की वजह नूरी और जाम तमाची की मोहब्बत की वो अजीम और लाजवाब दास्तान है जो कि नूरी और बादशाह जाम तमाची और किंजा के किनारों पर परवान चढ़ी और इसी तरह किंजा झील के आगोश में अमर हो गई। एक रिवायत के मुताबिक जाम तमाची शिकार और सैर सयाहत की गर्ज से अक्सर किंजर झील आया करता था। एक रोज़ कश्ती पर सवार होकर झील की सैर कर रहा था कि इसकी निगाह किंजर झील के किनारे पर मौजूद मछेरों की बस्ती में मौजूद एक लड़की पर पड़ी। इस लड़की के हुस्न जमाल ने इसे अपना असीर बना लिया। इस मंजर को शाह साहब इस अंदाज में बयान करते हैं कि नूरी का हुस्न वाकई चांद की मानन था मगर इसकी वाबस्तगी मछेरों के खानदान से थी। नूरी और जाम समूह की शादी के मंजर और उस मौके पर जाम तमाची ने जिस सखावत और फराग दिली का मुजाहरा किया इस मंजर को शाह साहब कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं कि सिंध यूनिवर्सिटी के शोभा जनरल हिस्ट्री के प्रोफेसर बशीर अहमद जतोई समर डायनेस्टी को कुछ इस तरह बयान करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सिंध जो है सिंध एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से तो बड़ी पॉपुलर है। उसके बाद जो सिंध में जो हुक्मरानी रही है वो मुख्तलिफ किस्म की है। मिसाल के तौर पे डायनेस्टिक किस्म का रूल रहा है, जिस तरह अरब साए शुरोज की एक डायनेस्टी थी जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने शिकस्त दी। उसके बाद जो खलजियों का रूल है वो जो है वो ठट्टा सेंटर्ड है। बुनियादी तौर पर अगर ठट्टे को देखा जाए तो ठट्टा एक हिस्टोरिकली जो है वो इट वॉज अ मेट्रोपोलिस सिटी लाइक कराची। ये जो कलोड़ों के दौर में प्लेग की एक बीमारी आई थी जिस वजह से ये ख़त्म हुआ और सखर डेवलप हुआ। तो समा घराने का जाम उन्नड़ के नाम से जो है वो एक बंदा है वो पावर में आया, पहला जो हुक्मरान था समा डायनेस्टी का। उसके बाद जाम नंदो आ जाता है और इस तरह से फिर जो है वो आपका जाम तमाची आ जाता है। जाम तमाची की जो है वो मुख्तलिफ एक स्टोरी और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि दुनिया में बादशाह जो है वो बड़े मतलब इस तरह से है कि वो बादशाहों की बेटियों से शादी करते हैं जिसका मुख्तलिफ जो है वो रीज़न होता है पावर सेंटर्ड होना और ये सारी चीज़ें। तो जाम तमाची का कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि वो एक खातून है नूरी जो मछेरी है। मछेरे लोग जो हैं वो बेचारे अपने मतलब उनका रहना सहना ये सारा पानी में ही होता है। तो ये आके खुद जो है उस पर फिदा हो जाते हैं और उसके बाद उसे शादी करते हैं और उसको अपनी जो है वो अपने हरम का हिस्सा बनाते हैं। और जब हरम का हिस्सा बनाना मीन्स गिविंग रिस्पेक्ट टू समवन और इतनी रिस्पेक्ट देना उनको जो मछेरे लोग थे, इसलिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको मज़ीद जो है इस पर काम करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती ये है कि सिंध का जो लिटरेचर है हिस्टोरिकल लिटरेचर जो तारीख है उस पर इस दौर पे बहुत कम काम हुआ हुआ है जिस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मकली के कब्रिस्तान में आज भी समा खानदान से मंसूब जो कि इनकी जाओ जलाल और अजमत का मुँह बोलता सबूत है। दूसरी तरफ नूरी आज भी सादगी और न्याजमंदी का पैकर बनकर किंजर झील की आगोश में
ادبی نیند سو رہی ہے۔ Mm-hmm.